अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। 14 अगस्त के बाद आज हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और नई वीडियो जी किस हवाले से है तो आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि उस वीडियो पे व्यूज़ बहुत कम थे। मैं एक दफ़ा इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के रेडियो स्टेशन पर इंटरव्यू के लिए छोटी छोटी गपशप के लिए गया था। वो मेरे एक सब्सक्राइबर थे, फाइक नाम है उनका, और बाद में बहुत अच्छे दोस्त बन गए, मेरे भाई बन गए। और उन्होंने मुझे कहा था कि आप आएँ या चलें। मेरे फादर जो हैं वो करते हैं हेल्थ के हवाले से प्रोग्राम करते हैं इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के रेडियो स्टेशन से, तो आप आइएगा। तो मैंने कहा मैं क्या यार उसमें जाके क्या बोलूँगा मैं, वो मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा अभी ऊपर लगा दूँगा। तो वो तब से मेरी फाइक के साथ बहुत अच्छी गपशप है। मैं गया था इंटरव्यू किया हमने पास, वहाँ पर गपशप मारी, और उसके बाद फाइक के साथ हमेशा मेरी गपशप रहती है। फाइक के पास है गाड़ी वैगनार जैपनीज़, और वो कोई 25th एनिवर्सरी है, 24th एनिवर्सरी एडिशन है, और उसमें बड़े मज़े के फीचर्स हैं। और मैंने वो गाड़ी अभी तक देखी नहीं है, अलबत्ता तस्वीरें उसकी देखी हैं, फाइक मुझे दिखाई थी। मुझे वो गाड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, उसमें काफ़ी छोटे छोटे मज़े के फीचर्स थे। तो मैंने कहा जब भी मुझे मौका मिला तो फाइक गाड़ी को लाजमी कवर करेंगे। तो अभी मुझे फाइक ने कुछ दिन पहले बताया कि वो ज़रा गाड़ी से ना बोर शोर हुआ हो सकता है, उसको बेचना दे कहीं। तो मैंने कहा चल मैं पहले इसकी वीडियो बना लूँ, फिर जो तुम मर्जी करते रहना। तो अभी मैं जा रहा हूँ फाइक की तरफ। और यार भाई लोग बात कर ला, मेरा दिमाग बड़ा ऑफ चल रहा है, तो मुझे कुछ समझ कोई नहीं आती, तो लिहाजा नाराज शराज नहीं होना वीडियो शूडियो लेट उतरी। तो जब से मेरा वॉलेट गुम हुआ है, सच्ची बात है मैं बहुत अपसेट हूँ उससे, क्योंकि लाइफ बहुत अपसेट हुई है। ऑब्वियस जब आपकी एक चीज़ गुम की जिसमें आपका सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन ही सारी उसमें थी, ना मेरा कोई प्रूफ रहा है ना मेरी गाड़ियों का कोई प्रूफ रहा है मेरे पास। तो वेट, आप कहेंगे कि अभी तक आपने न्यू के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया कि यार क्योंकि आई एम नॉट 100% श्योर कि वो गुम हो गया या चोरी हो गया फॉर दैट मैटर। तो और मुझे लगता है 99% मुझे अभी तक यही लगता है यार मैंने वो कहीं रखा है गाड़ी में, या कहीं मेरे से घर में कहीं गिर गया है, दो घरों में। तो ढूंढने की पूरी कोशिश की है, नहीं मिला। तो अब मैं सोच रहा हूँ कल से मैं आहिस्ता आहिस्ता जो मेरी मतलब चीज़ें हैं वो तो मैं चलो कम्प्लीट करूँ। गाड़ियों का चलो बंदा कॉपी रख लेता है, कोई फोटो स्टेट रख लेता है, कुछ वक्ती तौर पर गुजारा करता है, क्योंकि अगर डुप्लीकेट बनवा लिया मैंने एक दफ़ा कार्ड गाड़ियों का, तो फिर जो है जो मिल भी गया तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डुप्लीकेट कार्ड बनवाने से आपको पता है ठीक ठाक गाड़ी की मार्केट डाउन होती है। मुझे भी अंदाज़ा नहीं, लेकिन काफ़ी 2-3 लाख रुपया तो कम से कम मार्केट डाउन हो जाती है गाड़ी की। भी आते आते मैंने अपने जो नेबर्स हैं उनके सिविक एक्स में अपनी गाड़ी रिवर्स करते हुए उनके बम्पर में मारी जाके, उन्होंने बिल्कुल मेरी गाड़ी के साथ जोड़ के खड़ी की हुई थी। तो अमूमन वहाँ पर खड़ी नहीं करते, तो मैं अपने फ्लो में वहाँ से निकला वीडियो बनाने के लिए। तो गाड़ी स्टार्ट करके जो ही मैं रिवर्स करके मोड़ने लगा गाड़ी, तो खल के पीछे से आवाज़ आई। मैंने पीछे देखा तो उससे एक एक्स का बम्पर था वो टेढ़ा हुआ हुआ था, अलबत्ता मेरी जी बोन का जो है वो साइडों से नक्के खुल के आगे निकल गई थी बम्पर के, वो मैं दिखाता भी अभी आपको। चलते हैं फाइक की तरफ, फाइक हमारा वेट कर रहा है स्कीम 3 में, और हम जाएंगे वहाँ पे उसकी गाड़ी का एक मोटा मोटा रिव्यू करेंगे। छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे क्यूरियस जिनके लिए मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी वो चीज़ें मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो भाई लोग जैसे कि आप देख सकते हैं फाइक मेरे साथ आ चुके हैं, और फाइक को आप पहले भी देख चुके हैं मेरी वीडियो में जब मैं आईटीपी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के रेडियो स्टेशन में गया था। तो फाइक हेलो भाई, कर लें अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सब? तो ये भाई साहब फाइक को छोड़ें, ये चीज़ें देखने वाली जिसको मैंने अभी देखा और मैं काफ़ी हैरान हुआ हूँ यार, ये पॉकेट रॉकेट है और उसमें इतनी बला के फीचर्स हैं, मैं दिखाऊंगा पाकिस्तान में तो आप सोच भी नहीं सकते किसी बड़ी गाड़ी में भी ऐसे फीचर्स नहीं हैं। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी आके देखी है, 5 मिनट्स का रिव्यू किया है, तो मैं सच में बहुत हैरान हुआ हूँ। तो फाइक अगर अपनी गाड़ी के बारे में बताएं, इंटीरियर में सबसे पहले हमें फाइक बताएंगे कि 360 व्यू का क्या सीन है, इसमें क्या क्या चीजें हैं? जी अहमद भाई, 360 व्यूज का आ रहा है, इसके 3 जो हैं वो स्टेप्स हैं। ठीक है, ये फुल फ्रंट कैम व्यू, फुल फ्रंट आ गया, ठीक है, और ये साइड्स आ गई इसके अंदर, और ये टोटल गाड़ी का जो है ये व्यू। ये देखिए हम अब गाड़ी ऐसा लग रहा है ऊपर से ड्रोन से वीडियो बन रही है, ये हम बिल्कुल खड़े हैं फुटपाथ के साथ, और ये साथ थोड़ा सा ग्रीन एरिया, ये आपको ग्रीन एरिया नजर आ रहा है, और ये हमारे राइट साइड पे रोड है, तो रोड नजर आ रही है पूरा, मतलब आपको पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है। थोड़ा सा मूव करके चेक करें गाड़ी, जी जी जी, तो मूव करेगा साथ जी? जी जी करेगा। ओ यस यस यस, ये सीन नजर आ रहा है सब, मतलब जिधर जाओगे आपको ड्रोन फॉलो कर रहा है पीछे पीछे, आपको पता लगता रहेगा आप किधर जा रहे हैं, मतलब आस पास कोई आपके ऑब्स्टेकल वगैरह तो आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा डैश कैम,
ये चेक करें, ये डैश कैम माशाल्लाह इसमें स्पीड भी आ रही है और ये रिकॉर्डिंग भी कर रहा है खुदा। वैसे तो ये बाहर के मुल्क के अंदर जो होता है कि एक्सीडेंट्स कोई हो जाए तो उसकी रिकॉर्डिंग के लिए वो इंश्योरेंस वाला उसके लिए, और दूसरी बात ये है कि इसमें बड़ा अच्छा व्यू रिकॉर्ड होता है आपका खसूसन। इसकी अपनी मुझे नजर आ रही है, इसकी जो स्क्रीन पे नजर आ रही है वो रिजल्ट मुझे इतना बुरा नहीं अच्छा लग रहा है मुझे। जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से 1080p तक रिजल्ट करता है रिकॉर्ड, अच्छी रिकॉर्डिंग कर रहा है और साथ ही रडार आ जाता है। ये इसका रडार है जो क्या क्या काम करता है इसका रडार? रडार के अंदर है ऑटो ब्रेकिंग है इसके, ठीक है, और एंटी स्किट मोड है, एंटी कोलिजन है और लेन असिस्ट है सबसे बड़ी बात। ये सारे बटन आपको यहाँ पे भी नजर आ रहे होंगे, ये इसका ब्रेक असिस्ट का ये वाला जी, एक ऑटो ब्रेकिंग है और एक उसका है एंटी स्किड का है, लेन असिस्ट का है, ये पार्किंग सेंसर का है, ये लेन असिस्ट का है, ये एंटी स्किड का है, ये ब्रेक का है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग और एचयूडी मिरर की एक है। ये सबसे बड़ी बात ये चेक करें इसमें, ये सिस्का चेक करें इसमें, ये चेक करें माशाल्लाह जी, माशाल्लाह हेड्स अप डिस्प्ले इसमें जी आपके, ये सिस्के आपको यहाँ पे मिलते हैं ये वाले, देखो ऐसे वो देखो आपको पार्किंग नजर आ रही है, मैं आपको चेंज कर दिखाता हूँ, ये रिवर्स, ये डी और स्पीड आपको साथ साथ ये शो करता रहेगा, मीटर में भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है इसकी। और ये एवरेज कितनी दे रही है आपको? ये एवरेज अमन भाई जो लोकल मुझे दे रही है वो 25 से 28 इजीली दे रही है। अच्छा, वो मीटर भी शो करती है आपको इतनी एवरेज? मीटर में भी शो करती है और मैं डिवाइड भी जब करके फ्यूल फुल करवाता हूं हाँ। देखता हूं 38 लीटर की इसका टैंक है, ठीक हो गया, तो 9000 समथिंग फुल। क्रूज कंट्रोल वगैरह भी है इसमें? नहीं, क्रूज कंट्रोल नहीं है इसमें, क्रूज कंट्रोल नहीं है। और ये क्या, ये माइक है? ये ब्लूटूथ के लिए माइक है, जब फोन आपने कनेक्ट होता है। हां, ये आपने अगर ये चेक करें हमारे फोन में वहीं पे माइक लगा होता है, आवाज जा रही होती है, उन्होंने अलग से माइक दिया। कार्ड होल्डर भी है। अच्छा, ये अपनी कार्ड वगैरह रखनी उधर आपने? कार्ड होल्डर हीटेड सीट्स हैं, और हीटेड सीट्स यार ये चेक करो, हीटेड सीट्स दोनों हीटेड सीट्स हैं ये, और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी है। जी, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑटो है इसके अंदर, फ्रंट बैक दोनों फॉग सिस्टम मौजूद है, और ये चार्जिंग डक के 220 वाट की, ठीक हो गया। और बाकी सारे नॉर्मल शस्के तो उसमें है ही है, और ये पूरा एसी का डक है, ये आ रहा है, टेम्परेचर वगैरह शो करती है, और एचयूडी की लाइट्स है बाहर से, एलईडी लाइट्स है उनका, यहाँ पे सोचो भी ना आपका। और वो पीछे भी आपको एक कैमरा नजर आ रहा होगा जो 360 व्यू में हेल्प करता है इसकी, बैक रियर व्यू आपके पास वाइपर भी है, सॉरी इवेंट स्क्रीन का। सबसे बड़ी बात ये है अहमद भाई कि स्पेस बहुत ज्यादा है, ये आप चेक कर लें, पूरा पूछ लगता है कि किसी एसयूवी में जा रहे हैं आप। मेरी हाइट है बहुत ही ज्यादा 6'1", बट मैं पीछे इतना इजीली बैठता हूँ जैसे मैं नहीं नजर, मुझे यहाँ से नजर आ रहा है कि ये कितनी ज्यादा स्पेस है इसमें, और पिछली सीट्स के अंदर भी एडजस्टमेंट मौजूद है, पिछली सीटें भी एडजस्ट होती हैं। ये शशकी आपको मेरी रिबॉन में नहीं मिलेंगे, मेरी रिबॉन में आपको सिर्फ मिलेगा क्या, स्पीड मिलेगी, ताकत और कुछ नहीं मिलेगा, खड्डे मिलेंगे, जंप मिलेंगी, कंफर्ट शम्फर्ट बड़े टायरों के साथ कोई नहीं है, बिल्कुल जीरो। ये गाड़ी में थोड़ी सी चला के लाया हूँ, मुझे फील हो गया कि इस गाड़ी में क्या क्या। इसमें अहमद भाई 8 एयर बैग्स भी, 8 एयर बैग्स हैं, 2 फ्रंट पिलर्स में, 2 दरमियान वाले पिलर्स में, और 2 पीछे वाले, हाँ हाँ 2 पीछे वाले में, और ये 8 एयर बैग्स ना फुल, 8 एयर बैग भाई जान, ऐसे मार दो किसी दीवार में आपको कुछ भी नहीं होने वाला, टेंशन नहीं लेने का। और बाहर से आपकी गाड़ी में एक दफा फिर दिखा रहा हूँ, सारा ब्लैक इसका इंटीरियर है, और गाड़ी का कलर बहुत खूबसूरत है। गाड़ी जब आई है दूर से तो मुझे लगा है कि यार कोई गाड़ी आ रही है, बहुत खूबसूरत 15 इंच की अलॉय रिम्स, और हाइब्रिड भी है, टर्बो भी है इसमें, जब स्पोर्ट्स मोड में इसको डालते हैं तो ये पॉकेट रॉकेट भी बन जाती है। तो आजकल के दौर में 25-28 किलोमीटर एवरेज मिल रही हो तो इस गाड़ी को भाई कुछ सेल करने का सोचे भी ना। अभी मैं फाइक का दिमाग ठीक करता हूँ, उसको बताता हूँ मेरी रिबॉन कितना पेट्रोल खा रही है। ये मैं अभी आपको इसकी चाबी का शशका दिखाता हूँ, ये चेक करिएगा जब मैं गाड़ी अनलॉक करूँगा, तो ये चेक करें जी गाड़ी की लाइटें ऑन होगी, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है गाड़ी। ये छोटे छोटे डिटेल्स उन्होंने डाली हैं। एक चीज तो आप बताना भूल ही गए, कितने अरसे से आपके पास है और आपने कितने की ली थी? ये मैंने मार्च के अंदर परचेज की थी, मिड ऑफ मार्च, ठीक है, तो ये जापान से इंपोर्ट 2 दिन पहले हुई थी और मैंने परचेज कर ली थी, उस टाइम ये मुझे 28 लाख की 28 लाख की मिली थी। और मेरे ख्याल से कि हाँ आपको बजाय लगेगा वो इतनी छोटी गाड़ी के लिए 28 लाख, लेकिन 28 लाख में इतने इतने क्लास के आपको फीचर्स मिल रहे हैं ना कि आपको यहाँ पे 28 लाख में वैगनार आजकल 28 लाख पे चली गई है, जो आपकी एजीएस 30 लाख, हाँ एजीएस जो आपकी 30 लाख से पहुंच गई, प्राइस इंक्रीज हुई है, बट इसके अंदर जितने ऑप्शंस मौजूद हैं उस हिसाब से यहाँ पे किसी बड़ी गाड़ी के अंदर भी, बड़ी गाड़ी के अंदर भी। अभी चलते हैं थोड़ी सी इसकी ड्राइव करते हैं। तो भाई लोग हमने गाड़ी कर ली है स्टार्ट, अभी हम थोड़ी सी इसकी पीओवी ड्राइव बनाएंगे। आज हमारे पास गोप्रो नहीं है क्योंकि मैंने गोप्रो सेल कर दी है, और जब मैंने गोप्रो सेल किया था मुझे फाइक ने मैसेज भी किया था अहमद भाई मेरी गाड़ी की वीडियो बनानी है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। आप ये क्या बोल रही है, ये जब जंप आप जरा जोर से गुजारते हैं ना तो फिर ये नाराज हो जाती है, भाई सो गुस्सा कर जाते मेरी गाड़ी कैसी है।
मेरी गाड़ी में अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर वो तो कहेगी आपने बहुत तरह, ये मैं तो वो भी बहुत प्यार से गुजारी है मैंने, जरा सा और गुस्से से गुजारता तो चीज मीटर पे दिखा रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल क्या क्या गुजर रहा है आपको सही है। अभी एक सेकंड पहले मैं बम्पर ठोक के आया हूँ और एक बंदे की गाड़ी का नुकसान करके आया हूँ, ये गाड़ी मेरे पास होती तो मैं नुकसान करता नहीं होता, मैं बिल्कुल पता लग जाता मेरी गाड़ी तो जब तक रिवर्स गियर में डालना पीछे दिखाती है कुछ नहीं है, पीछे कुछ है और रिवर्स गियर में डालने के बाद भी 10 सेकंड बाद जाके कैमरा ऑन होता है उसका। शीशे आपने खुद टिंट कराए हैं या पहले से हुए हुए आए थे? अच्छा जी, इसके जो बैक है डोर्स वाले मिरर, ये तो ये भी ओरिजिनल है और बैक भी टोटली ओरिजिनल है। इसमें आपने और टिंट नहीं करवाया? नहीं, और नहीं हमने करवाया तो इसमें और बिल्कुल नहीं मैंने करवाई। ये अगले जो हैं ये मैंने करवाए थे, ये भी थे लेकिन मैंने 25% और करवाए थे क्योंकि पीछे से मैच नहीं कर रहा था। पर ये पिछले 50% पिछले तकरीबन 80% है। 80% जी डल की वो एस सामने आ रहा है जी बिल्कुल, बस थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा जंप्स है इधर, जंप मजेदार, ब्रेकिंग सिस्टम काफी ज्यादा ABS VS से व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, वो पार्किंग सेंसर भी जी, वो पार्किंग सेंसर, वो पार्किंग सेंसर, ये क्या टूटने से लगी हुई है यार ये पार्किंग सेंसर। इस गाड़ी में हर तरफ ऐसा गैजेट्स लगे हुए हैं, लगता है मैं जहाज में बैठ गया हूं, मेरी गाड़ी को तो मुझे याद भी नहीं रहा कि इसमें है क्या क्या। मैं अभी सच्ची बताऊं तो मैं फिंगर टिप्स पे गिन के भी नहीं बता सकता कितने एक फंक्शंस में दिए हुए हैं। तो ये रिकॉर्डिंग आप हर वक्त ऑन रखते हैं या कभी कभी? जी ये मैं ऑन रखता हूं, कभी भी फट आ सकता है रोड पे। जी बिल्कुल करता है सही। और जो आपकी कोलिजन कंट्रोल है, जो ऑटो ब्रेकिंग है इसकी जी, वो तो बहुत तंग करती होगी पाकिस्तान के अंदर। आप देखें, आप जापान के अंदर ये है कि इशू ही कोई नहीं है, उधर तो आप उसके अंदर तो ये है कि हर गाड़ी के अंदर ही एंटी ब्रेक ऑटो ब्रेकिंग है। इधर तो पीछे रिक्शे वाला आ रहा है, कोई और गाड़ी वाला आ रहा है, तो फिर पता नहीं चलता। इस वजह से मैं इसको ऑफ करता हूँ लेकिन कभी कभी ऑन कर देता हूँ। अच्छा फीचर है वो, मतलब ये मोबाइल में लगे हुए आपका ध्यान नहीं तो अचानक गाड़ी से कोई जानवर आ सकता है आगे, तो काफी ज्यादा उसमें बचत हो जाती है आपकी। ठीक ठीक ठीक, लेकिन उसका जो झटका होता है वो भी काफी ज्यादा एग्रेसिव होता है। बहुत कंफर्टेबल एक ये इसके नीचे फायर ट्यूब है, इमरजेंसी जो इन्होंने दी हुई है, ये जी आग बुझाने के लिए आपकी इसको आप खोल के फेंकना पड़ता है जी, इसकी सील तोड़ के ना ऊपर से ऐसे कर तो जी ये आग बुझ जाएगी। यहाँ पे आपको साइकिल मोटर से फायर एक्सटिंगुइशर मंगवाना पड़ता है, उन्होंने पहले ही सब कुछ दे दिया आपको, गाड़ी को आग लग दी जाए और आप आग बुझाने का मवाद भी आपके पास। ऐसा ही है बिल्कुल। और ये आगे डैशबोर्ड के ऊपर इसके बड़ी अच्छी स्पेस है, मेरे दोस्त कहते हैं इधर आप खाना भी रख के खा सकते हैं, मतलब इधर भी आपके पास जी बिल्कुल ग्लासेस की जगह ग्लास होल्डर्स है, बिल्कुल कार्ड होल्डर है आपके पास, और ये आपके पास पूरा सामने शेल्फ बना हुआ है जी जी। और स्पीकर्स के बारे में आप कुछ बता रहे हैं? स्पीकर्स अहमद भाई कंपनी फिटेड 6 स्पीकर्स हैं, 4 डोर में है इसके स्पीकर्स, 4 डोर में और बाकी दो, और बाकी दो ये डैशबोर्ड ट्यूनर्स के। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, और इनका साउंड सिस्टम अच्छा है जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त है। जो स्पीकर्स आते हैं वो अच्छी बेस वाले स्पीकर होते हैं जी जी, इसका स्टीरियो अच्छा होगा मुझे आईडिया है, बिल्कुल स्टीरियो अच्छा होता है। और ये जो इसकी है LCD, ये भी पैनासोनिक की है जी, और इसके अंदर काफी सारे फीचर्स हैं बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये वर्क नहीं चलते ही नहीं है जी, उन्होंने दे दिया हमारे पास चलाने के लिए जी जी बिल्कुल, FM रेडियो ब्लूटूथ वगैरह CD प्लेयर जस्ट ये। तो यार इस गाड़ी का जो रिव्यू बनाने का छोटा सा मकसद है, एक तो मैं खुद इसको ड्राइव करना चाह रहा था क्योंकि थोड़ा आहिस्ता करो यार, ऐसी मुझे सर ठंड लग रही है, बहुत चिल कर रहा है, बहुत ज्यादा ही चिल कर रहा है, मुझे इतनी चिल की आदत नहीं है, मैं बिल्कुल आहिस्ता से चिलकाता हूँ कि पसीना आया बस गाड़ी में। और मैं खुद चलाना चाह रहा था कि यार ये इसने भेजी तो मुझे इतनी चीजों की कहाँ से देखने को मिलेंगी, तो मैंने कहा चलो मैं जा ही रहा हूँ फायर की तरफ, साथ वीडियो बना रहा, तो ये ऐसा रिव्यू तो है नहीं नहीं है गाड़ी, मतलब इतना रिस्पॉन्स है इसका कि आप टच करें तो ये निकलती है, क्योंकि टर्बो भी है, उसके बाद हाइब्रिड भी है, सारी चीजें मिक्स होकर एक अच्छी एम्पल पावर बनाती है। मैं स्पोर्ट्स का बंद कर दूंगा, अभी बंद हो गया जी, पहले ऑन था ना जी जी। अभी हम अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं रेपो के पास, क्योंकि हमने इसके मुताबिक मेरे ख्याल से सारी बातें कर ही लेंगे, थोड़ी सी रेपो चलाना पुरानी प्यारी रेबो जी जी बिल्कुल, रेबो की हम ड्राइव लेंगे। फाइक रेबो का बहुत फैन है तो आपको मेरा दिखा दूं जो आज मैंने इसको तोहफा दिया है,
ये पूरा पीछे से दोबारा पुटीने क्रैक हो गई है सारी, ये हल्की सी टिकी, ये मुझे समझ नहीं आई यार, मैंने मारा बम्पर भी है, अगर ये मेरी गाड़ी का रंग उतरा है तो उनकी गाड़ी पे कहीं ना कहीं मेटल बॉडी भी लगी तो होगी, तो फिर मेरा खर्चा ज्यादा ही है, ये चेक करना पड़ेगा जाके। नहीं यार ये ऊपर रंग बम्पर का ही लगा हुआ है, ऐसे गाड़ी का रंग नहीं है ये, बम्पर का ही रंग है, ये तो पहले कह रहा। और ये साइडों से चेक कर सकते हैं आप, नक्के निकले हैं, मुझे अब नया बम्पर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये तो मेरा बार बार सेट होगा नहीं। ये अहमद भाई को कह रहा था मैंने, क्या कि मैं ये सेल करके ना स्टिंगरे तो सिविक पे आ जाता हूँ। मैंने इसको बताया कि मेरा बटुआ किधर जा रहा है, मैं तुझे बटुआ दिखा दूं ना, फिर तू नहीं करेगा यार, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आज इसका पता है, अभी मैंने इसको ना थोड़ा सा क्लच प्लेट के साथ थोड़ी ज्यादा की हुई है, इधर कर लो, क्लच प्लेट के साथ थोड़ी ज्यादा की हुई है, तुम्हें हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, दूसरे में ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा हूं, ये भी थोड़ा सा होता है क्योंकि मेरी जहां पे इसका क्लच है मेरी फुट ब्रेक, हां तो ये थोड़ा सा थोड़ा इसको जब जगह मिले ना इसको पांव देना, तुम्हें बताएगी कैसे उठती है। इसमें टर्बो नहीं है लेकिन ये टर्बो फील कराएगी, नहीं ये बहुत सारे टर्बो से बहुत बेहतर है, बैठना चाहिए वैसे। भाई एवरेज क्या दे रही है आपको? आपने बैठते ही पूछा था मेरे से मोस्ट आस्क क्वेश्चन और जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं आया। मैं सच्ची बात बताऊं, मेरी गाड़ी बहुत अच्छी आवाज देती है, ये पर्सनली मेरी गाड़ी, क्योंकि एक तो इसका इंजन नया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन है इसका, दूसरा मैंने इसमें बड़े अच्छे महंगे क्वालिटी के प्लग्स डाले हुए हैं, और दूसरा मैं इसका ब्रूटल एक्सेलरेशन तब करता हूँ जब मुझे कभी बहुत मूड और होता है, बहुत कम मैं इसकी ब्रूटल एक्सेलरेशन करता हूँ, तो मुझे सिटी में तकरीबन अराउंड 10 दे देती है इन टायरों के साथ, अगर ये स्टॉक हो तो ज्यादा भी दे सकती है। हाँ बहुत नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तेज तब चलाता हूँ जब कभी एग्जॉस्ट बहुत खुला हो ना, तो फिर आप नॉर्मल नहीं चला सकते फिर आप। तो भाई लोग आपने वीडियो देखी, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, फाइक की गाड़ी भी पसंद आई होगी, उसके बाद हमने गपशप मारी है, खाया पिया थोड़ा सा और अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करते रहे, और फाइक की गाड़ी रियली मुझे ज़्यादा बड़ी पसंद आई है। आजकल के दौर में अगर आपने 28-30 लाख लगा के गाड़ी लेनी है तो ऐसी गाड़ी दे ले जो फुल ऑप्शन हो, हर किस्म का शशका गाड़ी में हो, मुझे बड़ा मज़ा आया। अलबत्त हम जैसे जो कार लवर्स हैं उनको आखिर बड़े इंजन वाली गाड़ियाँ पसंद आती हैं, जिस तरह मुझे रिबॉन पसंद है, लोगों और भी बड़ी बड़े इंजन वाली गाड़ियाँ लोगों को रखना पसंद है। आजकल के दौर में भी अगर मैं रिबॉन अफोर्ड कर रहा हूँ तो लोग रखते हैं यार, मतलब शौक आपको आर उल्टा काम करवाता है। तो अभी जाके चेक करता हूँ यार, जो गाड़ी मेरे से लगी है दूसरी गाड़ी को उसका कितना नुकसान हुआ है, अभी तो टाइम नहीं रहा, कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ गाड़ी भी ठीक करवा दूँ, और जाके चेक करते हैं। रेबो का तो बम्पर पीछे से उखड़ गया थोड़ा सा, वो अब देखता हूँ, अगर बजट बना तो नया पेंट करवाएंगे, अगर नहीं बना तो इसी को वक्ती तौर पर सेट करा लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।